हेलो गाइस, वेलकम है आपका हमारे न्यू व्लॉग में। हमारे चाचा तो हमको कोई घूमने ही नहीं लेके जा रहे, हमारी छुट्टियां वेस्ट कर रहे हैं बिल्कुल। हाँ नहीं तो यार कहीं तो घुमा लो। कहाँ घुमाऊंगा बता, इतनी गर्मी में कहाँ घूमेगा, घर में रहे। घर में देख कितना ठंडा ठंडा माहौल हो रखा है। गर्मी तो भी अच्छे अलाउड होता है। अच्छे अलाउड होते हैं? हाँ। अच्छे या कच्चे? अच्छे। तेरी बात मेरे को समझ में नहीं आई। मुझे चलाएगा, तेज हो रहा है तू तो। और ये हमारी सन्नाटा, ये देखो ये पूरे पूरे फुल मजे लेता रहता है इससे। सन्नाटा सन्नाटा क्या के, ये देखो। जैसे मैंने व्लॉग ऑन करा दोनों ना खाना खा रहे थे, खाना छोड़ दिया। तीनों ही खा रहे थे, ये भी खा रहा था। रोटी बहुत मस्त है। ये दो दिन पुरानी चटनी है और बिना घी की रोटी है। हमारे रिधान भैया खाने लग रहे हैं। चाचा इधर उधर की बातें मत करो, शांति से घुमा के लाओ। कहाँ? कहीं भी चल लो आप, आपकी मर्जी। चल बाहर घूम के आते हैं चल। अरे ये गलत बात है यार। यही तो सही बात है पगले, घूमना ही है ना तेरे को। चल बाहर चल, क्यों टेंशन ले रहा है तू? हाँ अरे वाह भाई, नेल पेंट दिखा रही है, फैंसी फैंसी डिजाइन की नेल पेंट इसने अपने फिंगर्स पे लगा रखी है, नेल्स पे लगा रखी है। और ये देखो इसने नहीं लगा रखी है क्योंकि ये लड़का है और ये लड़की है। आपका हमेशा का ये बहाना है कि मेरी तबीयत खराब है। मान लिया तबीयत खराब है, ऐसा तो आपके 365 दिन में 300 दिन तो तबीयत ही खराब होती है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है भाई, क्या करूँ, भगवान ने शरीर ही ऐसा दिया है, इतना स्ट्रॉन्ग बनाया मुझे कि तबीयत खराब रहती है मेरी। और तू खाना छोड़ के कैसे खड़ा हो गया? चल खाना फिनिश कर, तुझे खाना खाना पड़ेगा। हाँ स्विमिंग पूल में नहा? नहीं स्विमिंग पूल में नहीं नहाएंगे। स्विमिंग पूल में नहा के ना भाई साहब तबीयत खराब हो गई है, एक हफ्ता हो गया मेरे को, सर में दर्द बुखार नहीं जा रहा। तो हमें कहीं तो लेके जाओ, देखो आप भी हेल्दी हो जाओगे, पार्क चल लो, मजा आएगा। नहीं यार समझा कर, मेरे बस की नहीं यार, अभी रिकवरी करने दे इसको। पता नहीं कहा के सर हम खा रही है, देख लो तक कैसे मुंह दुखा रही है और ये अपना अलग ही रोने लग रहा है और इसका भी मूड खराब हो गया है। और मेरे भौंकने की आवाज मेरे कानों में आ रही है बहुत तेज। यार लेके चलो ना, कहीं तो लेके चलो बस, मजा आ रहा है। पहले खाना फिनिश कर दो तीनों के तीनों, फिर देखते हैं। ठीक है सर, ये रोता रहेगा बाहर में जान दो उसको। ये मेरे को बैठ के मार लिया, ये सिस्टू अपनी और ये अपना सरांश। इन दोनों की हो चुकी है भिड़ंत, पूरे दिन इनकी लड़ाई होती रहती है। हम तो पूरे दिन इनकी लड़ाई सॉल्व करते रहते हैं। अब ये कह रही है मैं गुस्सा हो रही हूँ सबसे। भाई तो गुस्सा हो जा, कम से कम शांत तो रहेगी है ना, हम सांस तो ले पाएंगे। तू बहुत बहुत, अरे भाई साहब देखो कितनी शैतानी करती है हमारी सिस्टू, हमारी टकला सन्नाटा है भाई, सन्नाटा सन्नाटा। सरांश पूरे पूरे मजे ले रहा है, सन्नाटा सन्नाटा कर रहा है। अरे भाई मुझे मत मार, मुझे तुझसे बहुत डर लगता है। और ये देखो अब पता नहीं क्या निकाल रही है यार, अब क्या निकाल रही है तू? एंकी निकाल लिया रैक में से, पूरा पाती है ये, चलती रहती इसकी पूरा पातिया। इसका मुंह अलग ही बनी है, ये मुझे खेलने नहीं दे रहा बॉल से। ये पता नहीं इसको क्या मिल गया, क्या मिल गया इधर को? ये क्या है, लॉकेट है, पहन ले, फुकरा बन जा फुकरा। अबे तेरा अभी तक खाना खत्म नहीं हुआ यार। सो आज ना मैं ना सरांश और सृष्टि की पूरे दिन वीडियो बनाऊंगा, पूरे दिन ये ना अपना खेलते रहेंगे, इनकी सारी खुरापातियां कैप्चर करूंगा फोन में, जो भी खेलते हैं ना, खेल खेलते हैं लड़ते हैं झगड़ते हैं, सारी कैच करूंगा इनकी आज। नहीं स्विमिंग पूल में नहीं नहाएंगे, स्विमिंग पूल में नहाके बीमार हो जाएंगे यार। पालक वालक तो लेके चल लो। ये रिमोट कहाँ से आया तेरे पास? ये जो लाइटें होती है ना, लाइटें ये तो लाइट का रिमोट है, इसकी ना अलग से लाइट होती है। पता है सरांश तुझे? तुझे नहीं पता? पता है। तूने कब देखी लाइट? चल बता मुझे। अभी अभी कहाँ देखी, तेरे पास तो सिर्फ रिमोट है। तू ना सिस्टू को स्टैचू बोल दे इस रिमोट से। सिस्टू स्टैचू, हिलना नहीं है तेरे को बिल्कुल भी, तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है, ठीक है ना? हिल क्यों रही है, तुझे चारों तरफ से घेरा हुआ है। इसकी अलग स्माइल छूट रही है सरांश की। और ये देखो स्टैचू होके कितना खुश हो गया, तू कुछ भी नहीं कर पाएगी, तुझे स्टैचू बना दिया है। भाई ने तेरे को स्टैचू खत्म बोल दिया, अब तू खेल सकती है, हिल ले, अब हिल ले। नहीं। देखो कैसे भागे। डेली डेली पापड़ नहीं खाते चाचू, प्लीज पापड़ खाना है। नहीं 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 हाँ, हाँ, हाँ। नहीं 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 हाँ, हाँ, हाँ। अरे बाहर की चीजें मत खाएगा, समझ गया? मैं खाऊंगा मम्मा, पैसे दो जल्दी, दो पैसे दो। सारे दिन चीजें खाते रह के बाहर की, खाना खाने के लिए नहीं। हाँ 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 चीजें खाएंगे, दोनों पैसे चले जाएगा पापड़। चला गया मेरे भात के लिए, होगा मैं और मैं भी हूं। नहीं पापड़ वाला दूर है, मेरे को भात के लाना पड़ेगा खुद। ये माना नहीं, पापड़ लेके ही आ गया, ये देखो मेरे लिए। तुम तो मना कर रहे थे। अब खाऊंगा, आ गया ना चीज, आते हुए चीज को वापस नहीं भेजना चाहिए।
सरांश ने मुझे पापड़ दे दे रहे, ने तो मना कर दिया था। सरांश अच्छा बापू है। अब तुम दोनों ना बड़े हो चुके हो, ठीक है सिस्टू सरांश, ओके। अब सरांश से थोड़ी कम कर दो, ठीक है, और लड़ना भी ठीक है और झगड़ना भी ठीक है। नहीं। क्यों लड़ना झगड़ना बंद नहीं करेगा? नहीं। क्यों? जाता। भाई ये क्या बात हुई यार, लड़ना झगड़ने का मतलब ये क्या भाई, मैं पार्क नहीं लेके जाता, ये तो कोई बात का मतलब नहीं हुआ यार। सो इसकी तो चल रही है टीवी इधर नीचे हो गया था बोर, है ना, क्योंकि मैं इसको पार्क लेके नहीं गया। पार्क मैं इसको इसलिए नहीं लेके गया ना क्योंकि मुझे ना इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना है, टेंशन नहीं चाहिए फोकट की, मुझे नहीं देखना इंडिया पाकिस्तान का मैच। मजा ही मजा है यार, इंडिया जीतेगी हारेगी? जीतेगी, ऑब्वियसली जीतेगी। देखते हैं गाइस, वैसे तो इंडिया की टीम स्ट्रांग है पाकिस्तान के अगेंस्ट, देखते हैं कौन जीतेगा। 101% इंडिया ही जीतेगी, इंडिया इज द बेस्ट। स्वप्न घर में हो रही है पकौड़ों की तैयारी, भाई काट रहा बैंगन गोभी और आलू के पकोड़े बनेंगे, आज मैच है ना तो मैच भी देखेंगे और पकोड़े भी खाएंगे, बढ़िया भाई बनाएगा पकोड़े। आज पकोड़ा पार्टी होगी मैच देखते देखते हम लोगों की, मैच स्टार्ट होने वाला है इंडिया पाकिस्तान का 1 घंटे बाद, तो अभी से तैयारी कर रहे हैं। कॉलीफ्लावर खा रही है हमारी सिस्टू, इसको अच्छी लगती है कच्ची कॉलीफ्लावर, मुझे भी अच्छी लगती है। सो भाई मामला हो रहा है रेडी, भाई ने सारा मटेरियल लगा दिया, नमक मसाला मिर्ची जो भी होता है इस पे लगा दिया, चाप के भी पकौड़े भी हैं भाई, पनीर के भी हैं, ये इसमें प्याज है, प्याज के भी बनाएंगे। सो टॉस मैंने डिले है, बारिश हो रही थी स्टेडियम में, अब प्लेयर्स आ चुके हैं, टॉस डिले है, अभी टॉस भी नहीं हुआ, कहीं रंग में ना भंगना हो जाए, कहीं बारिश के चलते मैच ना हो ही ना, बड़ा दुख होगा। यहाँ तो पकौड़े वकड़े तैयार होने वाले, पता चले मैच ही ना हो। पता है सिस्टू आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तुझे पता है? मैंने बताया तुम्हें इसीलिए पता चला, वरना तुम्हें नहीं पता था। बोलो इंडिया जीतेगी? इंडिया जीतेगी। भाई पकोड़े हैं अपने और सामने होने लग रहा है टॉस, देखते कौन जीतेगा। इंडिया को जीतना चाहिए और इंडिया को ना बॉलिंग लेनी चाहिए। इंडिया के लिए बुरी खबर है, पाकिस्तान पहले बॉलिंग करेगा और पाकिस्तान को पूरी मदद मिलेगी पिच से। सो इंडिया के टॉस हारने की खुशी में सारांश और सृष्टि पकोड़े पेल रहे हैं, देखो बेटा पकोड़े गर्म ही होते हैं, ठंडे अच्छे नहीं लगते। सो फाइनली मैच स्टार्ट हो चुका है, बारिश हो रही थी, 8 बजे मैच स्टार्ट होना था, 8:50 पे मैच स्टार्ट हो रहा है और पाकिस्तान पहला बॉल डालने जा रहा है और अपने विराट कोहली और रोहित शर्मा कर रहे ओपनिंग। सो फाइनली पहली बॉल डालने जा रही है और फ्लिक किया है पहली बॉल पे 2 रन के लिए, जहाँ तक क्या 2 रन लेंगे, पहली बॉल पे 2 रन मिले हैं इंडिया को, रोहित शर्मा सर ने फ्लिक किया था बढ़िया, 2 रन ले लिए, 1 ओवर में 8 रन इंडिया के, पहला ओवर खत्म हो चुका है। तो फिर बारिश आ चुकी है मैच में, पकौड़े भी नहीं खा पाया ढंग से, जा चुके हैं प्लेयर्स, विराट कोहली डग आउट में जा चुका है। क्या यार पूरा मजा खराब हो रहा है यार, हमारा संडे तो आज बैड डे बन गया। रिजल्ट क्या लग रहा है, 120 रन बना लेगा पाकिस्तान? नहीं बना पाएगा भाई साहब, पाकिस्तान के 3 ओवर में 18 रन हो गए 0 विकेट पे, फाइनली पाकिस्तान का 1 विकेट गिर गया रितान, कितनी खुशी हो रही है गाइस। बुमराह ने इतनी मस्त बॉलिंग कराई ना, मान नहीं सकते, मुझे पता है आप भी देख रहे होंगे, तो आपने भी देखा होगा इतनी मस्त बॉलिंग कराई है ना। 12:30 हो रहे हैं और रिजवान आउट हो चुका है, इनकी रीढ़ की हड्डी बैकबोन आउट हो गया है। बुमराह ने की 1 विकेट और गिल्ली उड़ा दी बिल्कुल। क्या नहीं बेटा ऊपर जाऊंगा अभी सोने, मैच इतना इंटरेस्टिंग हो रहा है ना, देख बुमराह ने देख कैसे आउट कराई, देख चाची बोली थी आज मैच नहीं जाओगे। नहीं जाऊंगा अभी जब मैच खत्म हो जाएगा, 12:30 हो रहे हैं और सरांश भी नहीं सोया है। चाचू यार आप ऊपर जाओगे इसीलिए सो रहा। सरांश कह रहा है आप ऊपर नहीं जा रहे ना इसलिए मैं नहीं सो रहा, इसको मैच से लेना देना नहीं है, इसको मेरे से लेना देना है। 1 बॉल पे 8 रन चाहिए पाकिस्तान को। इम्पॉसिबल है गाइस, इम्पॉसिबल, ऐसा कभी नहीं हो सकता 1 बॉल पे 8 रन, क्योंकि 8 रन का कुछ होता ही नहीं है, 8 रन के रन मिलते ही नहीं है। तो बस ये बॉल अपना विकेट टू विकेट डाल दे अर्शदीप और इंडिया मैच जीत जाएगा। विराट कोहली जीत जाएगा, विराट कोहली जीत नहीं जाएगा, विराट कोहली जीत गया है जहाँ तक है, बस सीधी बॉल डाल दे, वाइड ना डाले, नो ना डाले। सो फाइनली इंडिया मैच जीत चुका है पाकिस्तान से। चाचू बाप बाप होता है, बेटा बेटा, आज इंडिया ने साबित कर दिया है ना, सेलिब्रेशन ऑन है। सो चाचू अभी रात के 1 और अभी हम करने जा रहे हैं व्लॉग का एंड, बाय बाय। इंडिया मैच जीत गया है। हाँ अले तू भी बोल ले। सो अपना इंडिया मैच जीत चुका है और हम इस ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं, जब तक के लिए बाय।